हे दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल विथ DM में। तो आज मैं Android मोबाइल की रैम बढ़ाने वाला हूं, तो वो जो रैम बढ़ाऊंगा मैं आपको ऑफिशियली तरीके से बताऊंगा, ना कि किसी ऐप को डाउनलोड करके फेक तरीके से। जो तरीका बताने वाला वो कंपनी की तरफ से दिए गए ऑप्शन से ही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। चैनल पर नए हो तो आपको बोलना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना सेटिंग में, तो यहाँ से सेटिंग में आप जा सकते हो, आपके पास जहाँ पे भी सेटिंग ऑप्शन हो वहाँ से सेटिंग में जा सकते हो। उसके बाद में आपको नीचे जाना है और आपको देखना है अबाउट डिवाइस, तो यहाँ पे अबाउट डिवाइस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे रैम ऑप्शन दिखाई दे रहा, तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो फ़ोन है वो रियलमी का है 9 प्रो, आप ऊपर देख सकते हो। यहाँ पे रैम 6 GB दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको रैम एक्सपेंशन ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि जो एक्सपेंड होता है वो 2 GB, उसके बाद में यहाँ पे आगे हो जाता 3 GB, उसके बाद में होता 5 GB। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, पहले 6 GB का ये फ़ोन है, 6 GB में हम 5 GB तक बढ़ा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 करूँगा तो 6 GB का 8 GB हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 GB बढ़ा सकते हैं तो 11 GB हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आप इस मोबाइल में कैसे 6+5 यानी कि 11 GB रैम बढ़ा सकते हो। ये ऑप्शन इसी फ़ोन में दिया हुआ है, आपके फ़ोन में भी हो सकता है, रियलमी या हो या MI हो या किसी भी फ़ोन में, अब नए जो मोबाइल हैं उनमें सब में ये ऑप्शन आने लगा है, तो आप अपने मोबाइल में देखिए। और इस ऑप्शन से रैम बढ़ाने के बाद में बिल्कुल आपकी मोबाइल की रैम बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि ये ऑफिशियली ऑप्शन है। एक तरीका और बता देता हूँ इसको सेटिंग में, यदि आपको नहीं मिल रहा तो आपको क्या करना, सेटिंग में जाना है। इस ऑप्शन से नहीं मिल रहा तो आपको सेटिंग में डायरेक्ट सर्च कर लेना है रैम। जैसे आप रैम सर्च करोगे तो यहाँ पे रैम एक्सपेंशन ऑप्शन दिखाई देता है। आपका कोई सा भी फ़ोन है, आप रैम एक्सपेंशन ओपन कर लीजिए सर्च करके सेटिंग से, और यहाँ से इसको ऑन कर लीजिए, तो आपके पास भी मोबाइल में जितनी रैम बढ़ना होगी यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ से आप बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ऑप्शन बहुत अच्छा लगा होगा। इस पे वीडियो अभी तक मैंने YouTube पे नहीं देखे, तो सोचा क्यों ना ये ऑप्शन बता दी जाए हमारी ऑडियंस को। तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू एंड गुड बाय।